दिल्ली वाला बटर है, देसी घी में। हाँ हाँ, अंदर पनीर धनिया बनाते भरके बनाते। हाँ हाँ, शाम को 10 बजे तक। हर वक्त गर्म ही खाना है चाहिए। हाँ भैया, एक्चुअली में देसी घी में बना हुआ, इसीलिए सब चीज़ अच्छा लग रहा है पूरा। और हमारा ये मिर्ची का अचार, सऊदी अरब का फेमस आइटम है। इसका नाम क्या है? बकलावा। बकलावा जी। तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए आ चुके हैं देसी घी वाला छोले भटूरे खिलाने के लिए। तो हम आ चुके हैं दिल्ली स्वीट्स में। तो यहाँ पे सब चीज़ देसी घी का ही बनता है, मिठाई हो गया, भटूरे हो गया, पूरी हो गया, सब देसी घी का बनता है। पहले वो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इनका देसी घी का छोले भटूरे, जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। चलिए सर, नमस्ते। पहले आपका नाम बोलिए सर। मैं अशोक अग्रवाल, खेतराजपुर में रहता हूँ। खेतराजपुर में। तो ये आप कब से स्टार्ट किए हैं? ये सर ओपनिंग हुआ हमारा 26th अक्टूबर 2021। ठीक है। और टाइमिंग क्या क्या रहता है सर? टाइमिंग सर मॉर्निंग 8 to 9 इवनिंग में 9 PM तक, एज पर कोविड प्रोटोकॉल। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से भटूरा काफ़ी लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और मिठाई भी अच्छा पसंद है, वहाँ के बोलते हैं कि नहीं आपका अच्छा है, ये आइटम अच्छा रहेगा। नहीं, क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो उसको और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आइटम में क्या क्या है सब जो फेमस है पूरा? फेमस सर ये रसमलाई हमारा बहुत फेमस है, ये वाला रसमलाई छोले भटूरे हमारा पूरा स्पेशल है। छोले भटूरे और स्वीट्स में सब चीज़ है, स्वीट्स में हर चीज़ फेमस है। और हम सुने कि सब देसी घी में बनता है। जी सर, टोटल आइटम देसी घी का। देसी ये लस्सी का क्या प्राइस रहता है? लस्सी 50 रुपये रहता है। 50 रुपये। और ये स्टॉक खत्म हो गया है? स्टॉक अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो अभी तो आगे थोड़ा बताइए कौन कौन सा स्वीट्स है, थोड़ा बता दीजिएगा। पिंक रसगुल्ला इधर ही मिलेगा, दूसरी जगह अवेलेबल है पिंक वाला जो है। और ये क्या चॉकलेट वाला? जी सर, ये वाला चॉकलेट फ्लेवर का है क्या? हाँ, ये अपना रहता है बाइट्स वगैरह। ये गुलकन लड्डू है। गुलकन लड्डू, ठीक है। बकलावा करके सऊदी अरब का फेमस आइटम है। सऊदी अरब का फेमस। इसका नाम क्या है? बकलावा। बकलावा जी, ठीक है। और ये हमारा चॉकलेट लड्डू, ड्राईफ्रूट लड्डू। चॉकलेट लड्डू, ड्राईफ्रूट, शुगर फ्री लड्डू भी रखते हैं? जी हाँ जी, चक्की रहता है सर, वो कच्चा वाला, उसमें कम लेवल का शुगर रहता है। ये हमारा जो गिफ्ट देने के लिए पार्सल, गिफ्ट बॉक्स में पैकिंग। तो इसका प्राइस कितना से शुरू होता है? ये हमारा प्राइस 375 बॉक्स है। हाँ, ये 3 लाइन है, हाफ के जी का। हाँ, ये 4 लाइन है, 800 ग्राम आएगा। ये 1 kg, 1 kg असोर्टेड पैक है। ये भाजी बॉक्स है, स्पेशल भाजी बॉक्स। तो इसका क्या प्राइस रहता है? ये आपका रहेगा 700 से 800 के बीच में। 700 से 800 के बीच में मिठाई के लेके ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या चाहते हैं। प्याज कचौड़ी, दाल कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, दाल कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मटर कचौड़ी, और ये समोसा वगैरह भी है। समोसा वगैरह, समोसा इधर ढोकला है सर, ढोकला हमारा ब्रांड ढोकला है। नीचे आपको हॉट में गर्म गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये सब आइटम मिलेगा। लाइट शुगर फर्स्ट काउंटर पे मिलेगा आपको, छेने में कम मीठे वाला आइटम, मलाई वाला आइटम, वो छेने में मिलेगा सर। मलाई तो इसको हम टेस्ट करते हैं। फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ रहा है। इसका प्राइस क्या रहता है भैया? 560 रुपये किलो। 560 रुपये। और फीस के हिसाब से? फीस 25 रुपीज। तो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये पूरा देसी घी में बनता है? नहीं, पूरा देसी घी का छोले भटूरे। दिल्ली साइड में ज़्यादातर चलता है नहीं देसी घी का छोले भटूरे? ये दिल्ली से ही है। हाँ हाँ, और दिल्ली से मतलब सब आप लोग भी दिल्ली से आए हैं क्या? हाँ, ये छोले और क्या आलू मिला हुआ है? छोले नहीं, आलू सलाद रहता है। आलू प्याज सलाद रहता है छोले देसी घी में।
ये देखिए आप इनका भटूरे का जो डो है, ये हमारा पनीर धनिया, ये देखिए प्लेट लग रहा है। जलेबी पूरा गरम गरम देते हैं? हाँ गरम निकाल देते हैं। ये मिर्ची का अचार हो गया और आलू, ये आलू है, प्याज है सर। हाँ हाँ, पूरा देसी घी का भटूरे आपको मिलेगा यहाँ पे। ये आ गया छोले, काबुली चने का है ना। तो यहाँ पे क्या क्या टाइप का भटूरा मिलता है? पनीर और पनीर का पनीर वाला खाली एक वाला दिल्ली वाला भटूरा वो पूरी में आलू रहता है ना, सब्जी आलू की रहती है, अंदर पट्टी भरते हैं। पट्टी भरते देखिए अच्छे से पूरा फुला दिया भैया देसी घी में। ये भी एक तो हुनर है ना, अच्छे से फुलना फुलाना एक तो। ये बहुत सालों से काम करते करते सर बोले रह गई। हाँ हाँ। तो सुबह से शाम ये प्रोसेस चलता रहता है नहीं भैया? सुबह अपने 8 बजे से नाश्ता रेडी रहता है, 8 बजे से शाम को 10 बजे तक रहता है। शाम को 10 बजे तक आप अभी आप गर्म मिलेगा, ये दो पीस गर्म निकाल देंगे। हर वक्त गर्म ही खाना है चाहिए। हाँ भैया इसको सर घर पर ही पार्सल ही ले जाते हैं तो 20 मिनट आधे घंटे तक गर्म रहेगा। गर्म रहेगा आधे घंटे तक ठंडा ही रहेगा सर। ठीक है अभी प्लेट लग रहा है देखिए। ये आ गया दो ठो हमारा गोलू मोलू भटूरे, अभी इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है अभी इसको टेस्ट करते हैं। हाँ फिलिंग में क्या रहता है? पनीर अपना धनिया पनीर भर के बनाते हैं सर। धनिया और पनीर रहता है अपनी पंजाबी पूरी सब्जी पूरी। हाँ हाँ देखिए पूरा मास्क वास्क पहन के भैया पूरा अच्छे से बना रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। एक ही लगाया है, 110 रुपये प्लेट है। ये भी देसी घी में ये भी पूरी आ गया देसी घी का। फ्रेश भैया जलेबी पूरा तल के देंगे अभी आपके सामने ही बनाएंगे, जितना आपका ऑर्डर रहेगा कि आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेश मिल जाएगा आपको पूरा। ये देखिए कलर फ्री है पूरा, ये सर है ना जलेबी अपना कलर रहता है। ये भी देसी घी का है नहीं? सब देसी घी, सब जलेबी भी देसी घी का है। जलेबी अपना केसर रहता है, केसर वाली जलेबी है, केसर वाली जलेबी भी है। ये देखिए जलेबी पूरा फ्रेश बन रहा है, देसी घी का जलेबी, मज़ा आ जाएगा पूरा देसी घी का। एकदम छोटा साइज में है पूरा, आराम से 4-5 तो खा लेंगे आप। आप कहाँ दिल्ली से ही बिलोंग करते हो? रायपुर में मेन ब्रांच है। ये चाशनी है, अभी चाशनी में जाने के लिए रेडी हो गया है। ये हो गया, ये कितना देर तक रहेगा भैया इसमें चाशनी में? इसके बाद आधी निकालना है। हाँ हाँ गरम गरम निकाल के खाएंगे पूरा। ये रेडी हो गया अभी निकालेंगे और डायरेक्ट जाएगा ये पेट के अंदर। ये आ गया ऊपर से केसर पिस्ता, अभी आपको खा तो देखिए हमारा ये छोले भटूरे आ गया है, पूरी आ गया है और जलेबी जो कि केसर वाला है। तो पहले पास तोड़ाइए और दिखाइए ये पूरी और धनिया का जो फीलिंग रहता है। ये देखिए ये हमारा पनीर और फीलिंग सब है, अच्छे से भैया भर के दें। दो प्लेट रहता है, 130 रुपीज़ है। और ये हो गया पूरी, पहले इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं उसके बाद पूरी में जाएंगे। हमारा मिर्ची का अचार और हमारा आलू सब्जी दिए हैं और छोले में हमारा काबुली चना का छोले। तो पहले इसको बाइट लेते हैं।
देसी की घी का एक्चुअली में बाकी फ्लेवर अच्छा आ रहा है। और एक बाइट लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करेंगे। और ये थोड़ा प्याज हो गया फ्लेवर के लिए। रेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि देसी घी का बना हुआ है। अगर देसी घी का चाहने वाले हैं आप तो ज़रूर आइएगा और खाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। भटूरा टेस्ट हो गया। अभी आते हैं पूरी में, इसका भी फीलिंग आपको दिखा देते हैं। ये पिट्ठी का फीलिंग भरा हुआ है, जो हमारा दाल का पिट्ठी रहता है इसका फीलिंग है। तो ये भी हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं। ये आलू का सब्ज़ी है। एक्चुअली में देसी घी में बना हुआ इसीलिए सब चीज़ अच्छा लग रहा है पूरा। और हमारा ये मिर्ची का अचार अच्छा टेस्ट है, वाकई ही अच्छा टेस्ट है। तो ठीक है, जलेबी और ये देखिए ऊपर से केसर का पास, केसर और पिस्ता सब दिए हैं। तो ये भी एक तो टेस्ट करते हैं। मेन बात है कि हमारे सामने ही वो तल के दिए हैं, इसलिए और अभी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो ठीक है, आप भी कभी यहाँ पे आइए और टेस्ट कीजिए। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।